नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने पॉकेट्स ऐप में अकाउंट बना लिया हो और उसके लिए आपको अगर एक फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल लिखी एनवो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ आपको टैक्स रिलेटेड वीडियोज़ हर समय डेली मिलती रहेंगी। और इसी के साथ चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने पॉकेट्स अकाउंट पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए अपने पॉकेट्स अकाउंट को खोलें और उसमें अपना मोबाइल पिन डालें। मोबाइल पिन डालने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी बटन के ऑप्शन मेन्यू ऑप्शन में क्लिक करना होगा। वहाँ पे आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर फिजिकल कार्ड पे क्लिक करना है और अपना नाम ओके पे क्लिक करें पहले तो, और अपना नाम डालें। ये ध्यान रखें दोस्तों कि जो भी नाम डालें उसके हिसाब से आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रूफ करने के लिए कि आपका ही है। और इसके लिए आपको दोस्तों 100 रुपये प्लस सर्विस टैक्सेस मतलब 110 रुपये के आसपास पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू, वो भी इसी वॉलेट से। तो आपको इतने पैसे भी होने चाहिए और बस आप कंफर्म कर दीजिए। और जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे तो आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाएगी और 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपके पास इस तरह का डेबिट कार्ड डिलीवर हो जाएगा। और दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या हो या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस तरह के टेक रिलेटेड वीडियो को हेल्प चाहिए। मैं आपकी वीडियो बना के हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ।